गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज आपको पता है जैसे कि दिवाली है, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठाऊँ सोकर। अभी बजे हैं सुबह के 9:30, और मेरे पेपर डांट भी पड़ चुकी है। अभी हमें अपने गांव जाना है, आपकी जैसे आपको पता है हमें देवताओं की पूजा करनी होती है। अब मैं मिलता हूँ आपको रेडी होने के बाद। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी ये सब लोग तैयार हो रहे हैं, और अभी इन सबको डांट पड़ेगी क्योंकि इन सब ने लेट करा दिया। हमें सोचा था कि हम सुबह सुबह 8 बजे जाएंगे, पर 9:30 तो मैं ही उठाऊँ। पर चलो, अब लेट हुई तो कोई बात नहीं, भाई रेडी हो रहे फटाफट। अरे तू रुक जा ना, 2 मिनट लेट हो जाएगा। जी से डांट खाने डर रहा क्योंकि अभी डांट पड़ेगी इसको बढ़िया वाली। मम्मा जाओ फटाफट। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। भाई जल्दी करो फटाफट, टाइम में लगाओ। अभी हम चलते हैं गाँव, और डैडी बार बार मजे आ जा रहे हैं। अभी तो मैं आपको सुनाई दीजिएगा, बार बार डेडी बार मजे आ जा रहे हैं कि भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। डैडी हर बार ऐसे करते तैयार होकर बैठ जाते हैं गड़ी में, बार बार पैं पैं। जी हमारे गांव का रास्ता है, अभी इससे थोड़ी आगे हम का स्कूल आने वाला है। ये देखो यहाँ पे एक बाग भी है बहुत बड़ा, और यहाँ पे अभी एक फिश पॉन्ड भी आएगा, वो अभी निकल गया, मैं आते हुए दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, ये आगे मेरी अपनी दीदी का स्कूल, इसका नाम है नालंदा वर्ल्ड स्कूल। ये यहाँ पे ये पढ़ती है, ये देखो बड़े अच्छा स्कूल है अंदर से, पर मेरे से अच्छा नहीं। ये देखो ये बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा सुंदर है अंदर से। सो गाइस, हम अपने गांव के लिए यहाँ टर्न लेंगे। ये हाईवे चंडीगढ़ टू देहरादून वाला है, यहाँ से अपने बॉय घर भी जाते हैं बद्दी। ये देखो सो गाइस, इस यहाँ से अपनी बॉय घर जाने के चढ़ जाते हैं। हाईवे हमारे गांव से जा रहा है बिल्कुल, ये देखो ये चंडीगढ़ टू देहरादून वाला हाईवे है। तो गाइस ये देखो, अभी आने यहाँ पे हमारे गांव के पास ये मंदिर बन रहा है बाबा बंसी वाले का, बाबा बंसी वाले की कृपा से। ये देखिए ये बनी रहा है, ये देखो ये ऐसा बने है। देखो गाइस देखो जो बोर्ड लगाए ना, और यहाँ पे इसी के पास ये खेत है बहुत सारे। तो गाइस ये हमारा खेत है, अब ये खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने इसके अंदर चावल बो रखे थे, उन्हें धान बोलते हैं गाँव में। अब इसके अंदर गेहूँ बोए जाएंगे। देखो ये हमारा खेत है पूरा, ये पूरा आगे तक है वहाँ तक जहाँ पे पेड़ लग रखे है, और यहाँ पे जाने का रास्ता देखो सामने से बुक गया रखी है। जाने का रास्ता है ये गाँव में, देवताओं पे जाने का रास्ता है ये, वो सामने से बुक गया रही है जो बोलते झुट्टा बुग्गी। और ये मम्मा डैडी आ रहे हैं, मेरे डैडी तो रोज हमें आते हैं गाँव में, करीबन रोज आते हैं, रोज नहीं हफ्ते में एक दो बारी बस। हाँ अरे भाई ये हो रहा था कपड़े बाहर को, ये हो रहा था खींचना भारी। तो गाइस ये आ गए हमारे देवता, शूज निकाल ले भाई उधर से ही, चल भाई ये एक सेकंड रुक जाओ, चलने दो यार उतर नहीं रहे फंस के, शूज भी नहीं उतारने आते गाइस। रुक जा बस, ज्यादा ना बोल ले। अरे यार भाई क्या हो गया, चल क्या रहा है। तो कुछ
और ये कार्तिक और डैडी पूजा करते हुए, ये हमारे पितर हैं। हाँ भाई कार्तिक, प्रसाद बोलते हैं उसको, पता है खाने को मिलेंगे। पता है तू बस प्रसाद के लिए ही पूजा करता है क्या? नहीं भाई ऐसी बात नहीं, श्रद्धा अनुसार प्रसाद। छत्तीसवीं पड़ी है मम्मी आज, उन तुम्हें जगह पर गाने लगाना पड़ेगा ना। अब यहाँ कल लड़े चला आ रही अपनी जो पकड़ने चलती, ये दूध चढ़ा दो ना सारा। अम्मा भी एक जगह और जाना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने अभी अभी अपनी पूजा करी है देवताओं की, और अब हम दूसरी जगह पूजा करने जाएंगे। वन लेफ्ट, जा 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 जा, डर मत डर मत। वो बैठी हुई है, अरे वो छोटे से हैं तू लगाना। लगा लिया। मेरा भी ड्राइवर प्रधान जी बैठो गाड़ी में। बैठे आ रहे हैं।